प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासेज में। हम आपके लिए लेकर आए RBSC 10th क्लास का चैप्टर नंबर 9। यदि आपने हमारे प्रीवियस पार्ट नहीं देखा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखें। उसमें फर्स्ट पार्ट आपको मिलेगा इंट्रोडक्शन, निर्देशांक ज्यामिति का इंट्रोडक्शन, ठीक है। सेकेंड पार्ट में आपको मिलेंगे क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज 9.1, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है उसने, सिद्ध कीजिए बिंदु 2-2-2-1 और 5-2-1 समकोण त्रिभुज के शीर्ष से, ठीक है। यानी कि अपन को बिंदु दिए हैं 2-2, दूसरा बिंदु दिया है 2-1, ठीक है। और तीसरा बिंदु क्या दिया है उसने 5-2, ठीक है। अब अपन को सीधे क्या करना है भाई, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं, ठीक है। इनको मान लेते हैं बिंदु ए, इसको मान लेते हैं बिंदु बी, इसको मान लेते हैं सी, ठीक है। अब देखो इन दोनों बिंदुओं के बीच पहले तो मध्य दूरी याद करेंगे इन निर्देशांकों, ठीक है। तो इन दोनों की मध्य दूरी क्या होगी, बीच की दूरी, ए बी बराबर अंडर रूट x2-x1 का होल स्क्वायर प्लस y2-y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें x1 ये हो गया, ये y1, ठीक है, ये x2 ये y2, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ए बी बराबर अंडर रूट, ठीक है। अब देखो x2 क्या है अपने पास, x2 का मान कितना है, माइनस कर दो, ठीक है, माइनस x1 का मान अपने पास कितनी है 2, ठीक है, का सबकोण का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान अपने पास कितना है 1, माइनस y1 का मान अपने पास माइनस कर दो है तो माइनस माइनस प्लस कर दो, ठीक है, होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका निकालेंगे तो ए बी बराबर, अब इसको आगे सोल्व करते हैं, देखो क्या है, -2 और -2 दोनों ऐड होंगे तो -4, ठीक है, -4 का होल स्क्वायर प्लस 1 और 2 कितने होते हैं 3 होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे -4 का तो कितना आएगा, माइनस का करेंगे तो प्लस और 4 का 16, ठीक है, प्लस, ठीक है, उसके बाद 3 का करेंगे तो 9, ठीक है। अब देखो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 25, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू इसका अंडर रूट निकालेंगे तो अपने पास कितना आएगा 5, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इसी क्रम में, अब इसमें देखते हैं बीसी की दूरी ज्ञात करेंगे तो बीसी बराबर क्या होगा, अंडर रूट, ठीक है, x2-x1 का स्क्वायर प्लस y2-y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो x1 ये हो जाएगा और ये y1, ठीक है, x2 y2, ठीक है। अब देखो बीसी बराबर अंडर रूट में करेंगे, ठीक है, x2 को मान अपने पास कितना है इसमें 5 माइनस, ठीक है, x1 की वैल्यू कितनी पास अपने पास माइनस के दो है तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस, अब y2 की वैल्यू अपने पास कितनी है उसको पुट करते हैं तो माइनस y1 की वैल्यू 1, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो bc इज इक्वल टू अंडर रूट 5+2 करेंगे तो 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 में भी गया तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो आगे देखो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, ठीक है, और प्लस, ठीक है, 1 का करेंगे तो 1, ठीक है। अब देखो bc इज इक्वल टू अंडर रूट 49 और 1 50, ठीक है, 50। अब देखो अब इसको अंडर रूट निकालेंगे तो क्या कर सकते हैं, इसको आगे
बीसी इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 2 लिख सकते हैं भाई, ठीक है, 25 इंटू 2 करेंगे तो इसका अंडर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 अंडर रूट 2, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब देखो बचा गया है एसी का, तो एसी के मध्य दूरी ज्ञात करनी है, तो मध्य दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, बीच की दूरी का एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इधर वैल्यू पुट करेंगे तो पहले तो ये देख लो एक्स वन ये हो जाएगा अपने पास और वाई वन, ठीक है, ये एक्स टू वाई टू, ठीक है। अब देखें अब इधर वैल्यू पुट करेंगे, एक्स टू की वैल्यू पुट करेंगे तो 5 माइनस एक्स वन की 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो प्लस कर दिया, उसके बाद वाई टू की वैल्यू अपने पास कितनी है 2 माइनस, फिर वाई वन की वैल्यू अपने पास माइनस 2 है, माइनस माइनस प्लस और 2 का 2, ठीक है, और संपूर्ण का स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट, देखो 5 में के 2 गए तो 3 का स्क्वायर बचा, और इधर 2 प्लस 2 करें तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। आगे देखते हैं इसको क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस, ठीक है, 4 का करेंगे तो 16, ठीक है, तो आगे क्या आएगा अंडर रूट 25, ठीक है। अब देखो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट निकालेंगे 25 का तो क्या आएगा अपने पास 5, ठीक है। अब देखो ये क्या बोला है क्वेश्चन में अपने पास, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे तो इसके लिए सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो देखो भाई पाइथागोरस के लिए प्रमेय के लिए अपने पास क्या आएगा, चलिए देखते हैं, तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष है तो इसके लिए सबसे पहले क्या लगाएंगे, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो सबसे पहले देखो क्या होना चाहिए, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस क्या आना चाहिए AC का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, देखो BC का स्क्वायर बराबर अपने पास कितनी आई थी 5 रूट 2 इज इक्वल टू, ठीक है, AB की वैल्यू अपने पास कितनी आई थी 5 प्लस AC की अपने पास कितनी आई थी, ए सी के अपने पास 5 और इनका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर निकालेंगे तो 5 का 25 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, तो 25 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा, लिख लेते हैं 25 इंटू 2 इज इक्वल टू 5 का करेंगे तो 25 प्लस 5 का वर्ग करेंगे तो 25, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट 25 इंटू 2 करेंगे तो 50 इज इक्वल टू 25 प्लस 25 करेंगे तो 50, यही अपन को सिद्ध करना था, ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, सिद्ध कीजिए बिंदु 1 माइनस 2 3 0 और 1 2 और माइनस 1 0 एक वर्ग के शीर्ष है, ठीक है, तो देखते हैं वर्ग के शीर्ष दिए हैं इसमें, तो क्या क्या बिंदु दिए हैं अपने पास, 1 माइनस का 2, ठीक है, दूसरा क्या दिया है उसने अपने पास 3 0, ठीक है, इसके बाद दिया है 1 2, ठीक है, 1 2 दिया है और दिया है अपने को माइनस का 1 0, ठीक है, ये बिंदु दिए। अब देखो भाई वर्ग में, वर्ग क्या होता है,
वर्ग की चार भुजाएं समान होती है, ठीक है। प्रत्येक डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ए बी सी डी वर्ग है, ये मान लो ए बी सी डी कोई वर्ग है, ठीक है। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री और ठीक है, इसके भी कर्ण परस्पर बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये अपन को सिद्ध करना है, तो सबसे पहले तो अपन को क्या करना होगा, भुजा सिद्ध करनी होगी उसकी। उसके बाद अपन को क्या करना है, विकर्ण, उसके दोनों विकर्ण बराबर करने हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसको बिंदु मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको सी और इसको डी, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट बिंदु ले लेते हैं ए बी, पर इनके बीच की दूरी क्या करनी है, सबसे पहले तो अंडर रूट, ठीक है, क्या होती है, एक्स माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का स्क्वायर। तो इसमें देखो, एक्स वन ये, वाई वन ये, एक्स टू वाई टू, ठीक है। तो देखो वैल्यू पुट करेंगे, एक्स टू की अपने पास थ्री माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई टू की वैल्यू पुट करेंगे तो जीरो माइनस, और वाई वन की वैल्यू माइनस का तो प्लस टू का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री में कहीं गया तो टू का स्क्वायर प्लस जीरो प्लस टू करेंगे तो टू का स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट दो का स्क्वायर करेंगे तो चार, और दो का करेंगे तो चार, ठीक है। कितनी आ जाएगी वैल्यू, इसको जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो अंडर रूट आठ, ठीक है। अब देखो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट सात को क्या लिख सकते हैं अपन, फोर इंटू टू, ठीक है। अब इसको अंडर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, फोर का टू आ जाएगा और दो का अंडर रूट दो, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट बिंदु पर बी सी, बी सी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, ठीक है। बी सी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, ठीक है। अब ये हो जाएगा, अब देखो बी सी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो अंडर रूट, ठीक है। एक्स टू की वैल्यू अपने पास कितनी है, वन माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस अपने पास वाई टू की टू माइनस, और वाई वन की जीरो का स्क्वायर, ठीक है। इसको आगे हल करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, देखो वन माइनस थ्री करेंगे तो प्लस का वन और माइनस का थ्री, तो माइनस का टू का स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, माइनस दो का करेंगे तो चार प्लस दो का करेंगे तो चार, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एट, और अंडर रूट एट को क्या लिख सकते हैं, चार इंटू दो, ठीक है, और चार इसका अंडर रूट निकालेंगे तो चार का दो और रूट दो का अंडर रूट दो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद सी डी के बीच की मध्य दूरी ज्ञात करेंगे तो एक्स वन वाई वन, ठीक है, एक्स टू वाई टू, ठीक है। अब देखो क्या आएगी, सी डी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स टू की वैल्यू पुट करेंगे अंडर रूट माइनस का वन, फिर ठीक है एक्स वन की माइनस वन का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू अपने पास 0, ठीक है, माइनस, और y1 की वैल्यू अपने पास 2, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखो माइनस वन और माइनस वन प्लस के वन माइनस के टू का स्क्वायर प्लस, और जीरो माइनस टू करेंगे तो माइनस टू का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं, माइनस दो का वर्ग करेंगे तो चार, ठीक है, और माइनस दो के करेंगे तो चार, ठीक है। तो अपने पास वैल्यू क्या आ जाती है, सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट ए। अब इसको खोलेंगे अंडर रूट ए को तो क्या लिख सकते हैं, चार इंटू दो, और इसका वर्ग निकालेंगे तो चार का निकालेंगे तो दो, और दो का करेंगे तो अंडर रूट दो, ठीक है, ये वैल्यू अपने पास आ जाती है, ठीक है। अब कंडीशन अप्लाई होती है कि वर्ग में चार भुजाएं बराबर होती है, यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए सी, ठीक है। तो
तो अपन को एक वैल्यू और निकालनी है इसके बाद इसकी एसी की, ठीक है, वो आगे देखते हैं। अब देखते हैं एसी की वैल्यू, बीच की दूरी ज्ञात करनी अपन को। अब देखते हैं आगे एडी की वैल्यू, बीच की दूरी ज्ञात करनी अपन को। एडी इज इक्वल टू अंडर रूट क्या होगा, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस का वन, ठीक है, माइनस, ठीक है, एक्स वन तो अपने पास वन का स्क्वायर प्लस वाई टू की वैल्यू पुट करेंगे तो जीरो, और इधर माइनस और माइनस के दो तो प्लस का टू का स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं इसमें देखो माइनस वन जुड़ जाएंगे तो माइनस का टू का स्क्वायर, ठीक है, प्लस और दो का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट दो कवर करेंगे, माइनस दो कवर करेंगे तो चार, प्लस के दो कवर करेंगे तो चार, ठीक है। तो अंडर रूट एक, फिर आगे देखेंगे अंडर रूट एक को क्या लिख सकते हैं, चार इंटू में दो, ठीक है, चार इंटू दो, ठीक है। अब देखो इसका अंडर रूट निकालेंगे तो चार का तो दो और दो का अंडर रूट दो, ठीक है। अब देखो वर्ग में चारों भुजाओं का मान समान होता है, ठीक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं चारों भुजाएं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। तो देखो वैल्यू निकाली तो अपने पास कितनी आई थी इसकी वैल्यू ए बी की टू रूट टू इज इक्वल टू, और बी सी की भी अपने पास कितनी आई थी टू रूट टू इज इक्वल टू टू रूट टू इज इक्वल टू टू रूट दो, यानी कि अपने वर्ग की चारों भुजाओं के मान समान आ गए, ठीक है। अब देखते हैं द्विगण की, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। उसने क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए ए माइनस वन ए और ए माइनस ए और दिया है अपन को माइनस के अंडर रूट थ्री ए और प्लस अंडर रूट थ्री ए, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है। तो देखो बिंदु क्या दिया है ए ए, ठीक है, ए ए दिया है, दूसरा दिया है माइनस का ए, ठीक है, दोनों, और क्या दिया हुआ है माइनस अंडर रूट थ्री ए और अंडर रूट थ्री ए, ठीक है, यह अपन को बिंदु दिया है और ये क्या करना है समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष क्या होते हैं, समबाहु त्रिभुज होता क्या है पहले तो ये देख लो, समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, मान लो ये बिंदु अपने पास ए ये दिया हुआ है ए, ठीक है, और ये बिंदु डी यानी कि अपने पास माइनस ए, ठीक है, और बिंदु अपने पास सी ये दिया हुआ है माइनस का रूट तीन ए और रूट तीन ए, ठीक है, ये दिया है। अब देखो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान करनी है तो सबसे पहले ए बी के मध्य दूरी ज्ञात करनी है, ए बी बराबर अंडर रूट, ठीक है, ये हो जाएगी एक्स वन वाई वन, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स टू वाई वन, ठीक है। अब मध्य दूरी को ज्ञात करें फॉर्मूला क्या होता है, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स टू की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स टू की वैल्यू क्या है अपने पास माइनस का ए, ठीक है, माइनस और एक्स वन की ए, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस वाई टू की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस का ए और उधर माइनस ए, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, माइनस ए माइनस ए माइनस का टू ए स्क्वायर प्लस माइनस ए माइनस ए माइनस का टू ए का स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है, ए बी इक्वल टू क्या आएगा, इसका अंडर इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो माइनस का करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, टू का करेंगे तो क्या हो जाएगा फोर, और ए का करेंगे तो ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस का करेंगे तो वही प्लस हो जाएगा, ठीक है, टू का करेंगे तो फोर और ए का करेंगे तो ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को देखो फोर ए स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर यानी कि आठ ए स्क्वायर, ठीक है, आठ को क्या लिख सकते हैं अपन अंडर रूट
चार इंटू दो, ठीक है, और ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ए बी इज इक्वल टू, इसका वर्ग निकालेंगे तो अंडर रूट करेंगे चार का तो दो, ठीक है, और दो का करेंगे तो दो, ठीक है, अंडर रूट दो, और ए स्क्वायर का करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ए, यानी कि टू ए रूट दो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बी सी, बी सी के मध्य के दूरी याद करेंगे तो देखो बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, यानी कि एक्स वन वाई वन, ठीक है, एक्स टू वाई टू, ठीक है। अब बीच की दूरी निकालेंगे तो देखो एक्स टू की वैल्यू अपने पास कितनी है, माइनस का अंडर रूट थ्री, ठीक है, ए, ठीक है, माइनस अपने पास ए है माइनस का प्लस और ए का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं इसे प्लस, अब देखो वाई टू की वैल्यू पुट करेंगे तो अंडर रूट थ्री ए, ठीक है, और वाई वन की माइनस, वाई वन के अपने पास माइनस ए है तो प्लस का ए का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखो बी सी इज इक्वल टू, बी सी इज इक्वल टू, अब देखो अंडर रूट, ठीक है, अब देखो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए, ठीक है, ए स्क्वायर करेंगे तो माइनस अंडर रूट तीन का करेंगे, माइनस तो प्लस हो जाएगा, अंडर रूट तीन का करेंगे तो अंडर रूट तीन का करेंगे तो क्या आएगा भाई तीन, ए का करेंगे तो ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू ए बी, यानी कि टू ए का मान कितना है अपने पास, माइनस का रूट तीन ए, ठीक है, और बी का मान क्या है अपने पास ए, ठीक है, ये तो ये खुल गया, ठीक है। अब देखो प्लस का है तो प्लस, ठीक है, अब इसमें देखो अंडर रूट तीन का स्क्वायर करेंगे तो तीन, ठीक है, ए का करेंगे तो ए स्क्वायर, ठीक है, बी का करेंगे तो ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू ए बी, तो टू रूट थ्री ए डॉट ए, ठीक है। अब देखते हैं आगे, तो बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट, अब देखो थ्री ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितने हो जाएंगे, फोर ए स्क्वायर, ठीक है, टू इसको अंदर इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस टू रूट थ्री, टू रूट थ्री और ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस, ठीक है। अब देखो आगे करेंगे तो थ्री ए स्क्वायर और एक ए स्क्वायर, फोर ए स्क्वायर, ठीक है, और प्लस टू रूट थ्री ए स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू आ गई अपने पास। अब देखो बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, अब देखो फोर ए स्क्वायर आठ ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस का और ये प्लस का तो ये कैंसिल, ठीक है, तो ये वैल्यू अपने पास याद आते, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसको क्या लिख सकते हैं, फोर इंटू दो ए स्क्वायर, ठीक है, फोर इंटू दो का ए स्क्वायर आ जाएगा, अब इसका अंडर रूट करेंगे तो दो रूट दो और ए का करेंगे तो ए बार आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं ए सी के बीच की दूरी, यानी कि एक्स वन वाई वन, ठीक है, एक्स टू वाई टू, ठीक है। अब देखो ए सी की करेंगे तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, बीच की दूरी निकालेंगे तो एक्स माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, ठीक है, एक्स टू का मान अपने पास कितना है, माइनस थ्री, ठीक है, ए माइनस और एक्स वन का ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई टू का वैल्यू पुट करेंगे तो अंडर रूट थ्री ए माइनस ए, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ए सी इज इक्वल टू
अंडर रूट निकालेंगे इसका तो क्या आएगा, इधर देखो अभी पहले खोला था तो क्या आएगा, फोर ए स्क्वायर ठीक है, और प्लस प्लस कितना आया था, टू अंडर रूट थ्री ए स्क्वायर ठीक है, टू अंडर रूट थ्री ए स्क्वायर प्लस इधर क्या आया फोर ए स्क्वायर ठीक है, माइनस टू रूट तीन ए स्क्वायर ठीक है। अब देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल ठीक है, तो ए सी इज इक्वल टू ठीक है फोर ए स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर यानी कि आठ ए स्क्वायर बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट चार इंटू दो ए स्क्वायर ठीक है। अब देखो इसका वर्ग निकालेंगे तो चार का तो दो आ जाएगा, दो का अंडर रूट तो ए का ए ठीक है, ये हो जाता है अपना थ्री। अब इसके बाद देखते हैं अपन को सम बहुत्रिभुज सिद्ध करना है, तो अपन को क्या करना होगा ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी ठीक है। अब देखो इधर मान रख के देखते हैं तो अपना अपने पास कितना आया था, तो ए रूट दो ठीक है, इसका बी सी का मान भी अपने पास टू ए रूट दो और ए सी का अपने पास टू ए रूट दो ठीक है, तो ये अपन को सिद्ध करना है ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 इसमें दिया है संरेख, तो संरेख होने की स्थिति में देखो संरेख होने पर, संरेख होने पर देखो स्थिति क्या होती है, तीन भुजाएं होती हैं उसमें क्या होता है देखो, जैसे तीन भुजा एक मान लो ए बी दूसरी बी सी ठीक है, और दोनों का योग तीसरी भुजा ए सी के बराबर होता है ठीक है। अब देखते हैं बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, बिंदु दिया है उसने मान लो ए ए ए ठीक है, दूसरा बिंदु यानी बी कितने निर्देशांक दिए हैं इसके माइनस का दो और सात ठीक है, और सी के निर्देशांक कितने दिए हैं उसने तीन माइनस तीन ठीक है। अब देखो इनके बीच की दूरी ज्ञात करते हैं सबसे पहले तो ए बी बराबर अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर एक्स वन वाई वन ठीक है एक्स टू वाई वन ठीक है। अब देखते हैं एक्स टू वैल्यू अपने पास माइनस कर दो ठीक है माइनस ठीक है एक्स वन की वन ठीक है स्क्वायर प्लस वाई टू की वैल्यू अपने पास सात और वाई वन की वन ठीक है का स्क्वायर ठीक है। अब आगे देखें ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ठीक है, ये कितना हो जाएगा माइनस तीन का स्क्वायर प्लस सात में गया गया तो छः का स्क्वायर ठीक है। अब देखो माइनस तीन का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा नौ प्लस छः का करेंगे तो छत्तीस ठीक है छत्तीस आएगा। अब देखो ए बी इज इक्वल टू जो लेंगे छत्तीस प्लस नौ करेंगे तो कितना आएगा अपने पास पैंतालीस ठीक है, पैंतालीस को क्या लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं इसको नौ इंटू पांच ठीक है। अब देखो इसका वर्ग निकालेंगे तो क्या आएगा तीन और रूट पांच ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं, अब देखते हैं बी सी के लिए देखते हैं ठीक है, बी सी के लिए देखते हैं तो एक्स वन ये हो जाएगा वाई वन ये हो जाएगा एक्स टू ये हो जाएगा वाई टू ये हो जाएगा ठीक है। अब देखते हैं तो दो बिंदु बी सी ओ के बीच की दूरी अंडर रूट एक्स माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का स्क्वायर एक्स क्यूब की वैल्यू पुट करेंगे थ्री माइनस और माइनस का है दो तो प्लस का दो का स्क्वायर प्लस वाई टू की वैल्यू अपने पास कितनी है माइनस का थ्री ठीक है माइनस सेवन का होल स्क्वायर ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं देखो बी सी इज इक्वल टू
ना टू थ्री प्लस फाइव यानी टू प्लस का फाइव का होल स्क्वायर प्लस माइनस थ्री माइनस सेवन माइनस का टेन का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो पांच का बात करेंगे तो पच्चीस, ठीक है, और सौ दस का करेंगे तो सौ, ठीक है। अब देखो बी सी इज इक्वल टू एक सौ पच्चीस, पच्चीस प्लस सौ करेंगे तो एक सौ पच्चीस, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, पच्चीस इंटू छ, पच्चीस इंटू पांच, पच्चीस इंटू पांच, एक सौ पच्चीस को क्या लिख सकते हैं, पच्चीस इंटू पांच, पच्चीस चौका सोलह, पच्चीस पंद्रह एक सौ पच्चीस, ठीक है। तो पच्चीस का अंडर रूट निकालेंगे तो पांच, ठीक है, और रूट पांच का निकालेंगे तो रूट पांच, ठीक है। अब देखते हैं आगे एसी, तो एक्स वन ये वाई वन ये, ठीक है, एक्स टू वाई टू, ठीक है। तो अब देखो एसी के बीच की दूरी, ठीक है, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स टू थ्री माइनस और वन एक्स वन प्लस वाई टू का वैल्यू अपने पास माइनस का थ्री, ठीक है, माइनस और वैल्यू वाई वन भी वन, ठीक है, और स्क्वायर कर देंगे इसका, ठीक है। ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट करेंगे तो थ्री में दिया गया तो दो का स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस थ्री माइनस वन माइनस के फोर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अंडर रूट, ठीक है, दो का वर्ग करेंगे तो चार प्लस इसका करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, चार करेंगे तो सोलह, ठीक है। अब देखो ए सी इज इक्वल टू क्या है अपने पास, चार प्लस सोलह करेंगे तो अंडर रूट बीस, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, अंडर रूट बीस को चार इंटू पाँच, ठीक है। अब देखो चार का अंडर रूट निकालेंगे तो दो और पाँच का निकालेंगे तो रूट पाँच, ठीक है। अब देखो अपन को कंडीशन दी है कि संरेख होने चाहिए बिंदु, तो संरेख होने के लिए दो भुजाओं का मान तीसरी भुजा के मान के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं तो ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है, ए बी की वैल्यू पुट करेंगे तो ए बी की वैल्यू अपने पास कितनी आई थी, तीन दो पाँच, ठीक है, ए सी की वैल्यू अपने पास कितनी आई है भाई, दो दो पाँच, ठीक है, इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू अपने पास कितनी आई थी, पाँच रो पाँच, ठीक है। अब देखते हैं तीन दो पाँच, ठीक है, पाँच रो पाँच हो जाए इज इक्वल टू, और ये देखो पाँच रो पाँच, यानी कि ये बिंदु संरेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इलेवन, ठीक है। अब उसमें क्या दिया है, दो बिंदुओं से समान दूरी पर एक्स अक्ष पर वह बिंदु है जो दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो अब देखो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो उसका निर्देशांक क्या होगा, एक्स और वाई का मान क्या होगा उसके पास, जीरो, ठीक है। अब देखो वो दो बिंदु क्या दे रखे हैं, उसने ए दे रखा है माइनस का दो और माइनस का पाँच, ठीक है, इसको मान लेते हैं ए और दूसरे को मान लेते बी, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है उसने, दो और माइनस का तीन, ठीक है, ये उसने वैल्यू दे रखी है। अब यदि दो बिंदु समान दूरी पर स्थित है तो क्या होगा, पी ए इज इक्वल टू पी बी, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है। तो अब देखो दोनों पक्षों का वर्ग करने का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो पी ए का स्क्वायर बराबर पी बी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है अपन को, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स वन ये वाई वन एक्स टू वाई टू, ठीक है। तो क्या होगा, देखो वर्ग कर देंगे तो इनका अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है, तो एक्स टू वैल्यू अपने पास माइनस कर दो, ठीक है,
ठीक है, माइनस का एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई टू की क्या है अपने पास माइनस का पाँच, ठीक है, और वाई वन की जीरो का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल। अब देखते हैं पी वी के बीच की दूरी, तो इसकी क्या आएगी, अब देखो, अब एक्स टू वाई टू ये हो जाएगी, ठीक है। अब देखो एक्स टू की वैल्यू अपने पास टू, ठीक है, एक्स वन की वैल्यू अपने पास एक्स, ठीक है, वाई टू की वैल्यू अपने पास कितनी है, अपने पास वाई टू की वैल्यू माइनस का थ्री, ठीक है, माइनस, और वाई वन की जीरो का स्क्वायर, ठीक है। ये देखते हैं आगे इसको, देखो क्या होगा, इसका वर्ग करेंगे तो चार, ठीक है, एक्स करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसका माइनस टू ए भी करेंगे तो फोर एक्स, ठीक है, प्लस पच्चीस, पाँच का वर्ग करेंगे, ठीक है। अब इसका वर्ग करेंगे तो देखो चार, ठीक है, इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का टू ए भी तो फोर एक्स, प्लस तीन का वर्ग करेंगे तो नाइन, ठीक है। अब देखो चार से चार कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, ठीक है। अब देखो चार एक्स माइनस का है इधर, इधर का प्लस है, ठीक है, तो इधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, चार एक्स, चार एक्स और चार एक्स कितने होंगे, आठ एक्स इजिकल टू, ठीक है। अब देखो पच्चीस को इधर पक्षांतरण करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का सोलह, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं, आठ से कट जाएगा, आठ दूनी सोलह, यानी एक्स इजिकल टू माइनस दो। तो पी के निर्देशांक क्या आएंगे अपने पास, पी के निर्देशांक क्या आएगा, माइनस का दो और जीरो, ठीक है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर ग्यारह करा दिया है आपको, बारह देखते हैं। बारह में देखो वाई एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु माइनस पांच दो तीन दो से समान दूरी पर स्थित है। तो ये देखो पी के निर्देशांक इसमें क्या हो जाएंगे, वाई एक्स पर है तो वाई वाह सॉरी जीरो और वाई, ठीक है, वाई एक्स पर स्थित है तो एक्स का मान जीरो और वाई पर वाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सेम इलेवन की तरह होगा, ठीक है। और इसमें देखो क्वेश्चन नंबर तेरह, यदि बिंदु तीन के और के फाइव से बिंदु जीरो दो की दूरी बराबर है, यानी कि दूरी समान दूरी है, या भी क्वेश्चन नंबर अपने इलेवन की तरह होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौदह क्या दिया है उसने अपन को, पी के निर्देशांक दिए हैं, पी के निर्देशांक क्या दिया है, ए कोस थीटा, ठीक है, ए कोस थीटा, बी साइन थीटा, ठीक है, बी साइन थीटा। और क्यू के निर्देशांक क्या दिए हैं उसने, क्यू के निर्देशांक माइनस ए साइन थीटा, बी कोस थीटा, माइनस ए साइन थीटा और बी कोस थीटा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं क्या दिया है, तो सिद्ध कीजिए कि OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर है स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, जहाँ O मूल बिंदु है, तो OP निर्देशांक कितना होंगे, जीरो जीरो, ठीक है। अब देखो अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो OP इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें मान रखेंगे OP इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा x1, ये y1, ठीक है, ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है। अब देखो x2 की वैल्यू अपने पास एक ओवर थीटा माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू अपने पास बी साइन थीटा माइनस जीरो का और स्क्वायर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो OP इज इक्वल टू, ठीक है, देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए कोज स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसका करेंगे जीरो का करेंगे जीरो हो जाएगा, इसका करेंगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और जीरो का जीरो, ठीक है। अब देखो क्या आएगा, OP इज इक्वल टू, ठीक है, अंडर रूट, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं तो अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने का, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है,
वर्क कर देंगे इनका तो क्या आएगा, ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका करेंगे तो ए स्क्वायर कोज स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अंडर रूट आ जाएगा। इक्वेशन नंबर एक दे देंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट देखेंगे तो देखो क्या होगा, देखो ओ क्यू क्या आएगा, ठीक है, ओ क्यू बराबर अंडर रूट एक्स माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, ठीक है, एक्स वन वाई वन ठीक ही ये हो जाएगा, एक्स टू ये हो जाएगा, वाई टू ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक्स टू की वैल्यू अपन रखेंगे तो माइनस ए साइन थीटा माइनस, ठीक है, एक्स वन जीरो का स्क्वायर प्लस वाई टू की वैल्यू पुट करेंगे तो बी कोस थीटा माइनस, ठीक है, जीरो का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, ओ क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, इसका वर्क करेंगे माइनस का तो प्लस हो जाएगा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर करेंगे तो बी स्क्वायर कोज स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों पक्षों में वर्क करने पर, पक्षों में वर्क करने पर, ठीक है, वर्क करेंगे तो देखो क्या आएगा, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोज स्क्वायर थीटा, ठीक है, अंदर जो कर जाएगा इसको वर्क करेंगे तो, और इसको दे देंगे इक्वेशन दो, ठीक है, समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, को जोड़ने पर, ठीक है। अब देखो समीकरण एक व दो को जोड़ेंगे तो ओपी का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू इनको जोड़ेंगे तो देखो क्या आया था, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या आया था, बी स्क्वायर कोज स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोज स्क्वायर थीटा, ठीक है, थ्री, ठीक है। समीकरण को ए में दो को जोड़ेंगे तो क्या आएगा देखो, ठीक है, तो देखो OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर कोज स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोज स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो, ठीक है, आगे देखते हैं, अब देखो क्या होगा, इधर आ जाएगा ओपी का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है। अब इसमें क्या देखो, ए स्क्वायर इसमें के दोनों में के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचा क्या, साइन सॉरी कोज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो इसमें देखते हैं बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी कोज स्क्वायर थीटा में के, तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर, ठीक है, और इधर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आगे देखते हैं ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर इजिकल टू, ठीक है। अब देखो कोज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन, ठीक है, तो ए स्क्वायर और इंटू वन करेंगे तो वही ए स्क्वायर प्लस इधर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, ठीक है, ये से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, इसमें दिया है समबाहु त्रिभुज अपन को, ठीक है दोस्तों। अब देखो समबाहु त्रिभुज दिया है, ये मान लो ए, ये मान लो बी और ये मान लो सी, ठीक है। अभी ए बिंदु के निर्देशांक उसने क्या दिया है, जीरो जीरो, ठीक है, और बी के क्या दिए हैं उसने अपने पास, तीन रूट तीन, ठीक है,
और इसके ज्ञात करने हैं, तब हमको इसके मान लेंगे एक्स और वाई। ठीक है, अब देखो ए बी के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। फर्स्ट देखते हैं तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। ये हो जाएंगे एक्स वन ये वाई वन, एक्स टू वाई टू। ठीक है, अब देखो एक्स टू का वैल्यू पुट करेंगे थ्री माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई टू का वैल्यू पुट करेंगे अंडर रूट थ्री माइनस वाई वन की जीरो का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसको ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट। ठीक है, तीन में जीरो गया तो तीन का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट तीन में जीरो गया था अंडर रूट तीन का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे आगे तो देखो तीन का वर्क करेंगे तो नौ और अंडर रूट तीन का करेंगे तो तीन। ठीक है, अब देखो क्या आएगा ए बी इज इक्वल टू नौ तीन कितने होते हैं बारह अंडर रूट बारह। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं चार इंटू तीन लिख सकते हैं। ठीक है, रूट में तो इसका वर्ग निकालेंगे चार का तो दो और इसका अंडर रूट करेंगे तीन का तो अंडर रूट तीन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट बीसी। ठीक है, बीसी के मध्य दूरी ज्ञात करेंगे। देखो बीसी का ठीक है तो अब देखो बीसी में क्या हो जाएगा एक्स वन वाई टू। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स वन वाई वन। ठीक है, एक्स टू वाई टू। ठीक है, अब देखो क्या होती है मध्य दूरी एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो देखो एक्स टू की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स माइनस तीन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो बी सी इज इक्वल टू ठीक है इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस तीन का करेंगे तो नौ माइनस टू टू ए तो टू ए दो टी एच है एक्स। ठीक है, प्लस इसका करेंगे तो देखो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस तीन। ठीक है, और इसका करेंगे तो माइनस का टू वाई रूट थ्री। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं थोड़ा बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ठीक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस का सिक्स एक्स माइनस का टू वाई रूट थ्री। ठीक है, प्लस के नौ और प्लस के तीन कितने हो गए प्लस के बारह। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं इन दोनों ब्रिज की दूरी एसी की। ठीक है, तो एसी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर यानी एक्स टू वाई टू ये हो जाएंगे एक्स वन वाई वन। ठीक है, अब देखो वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको आगे सोल्व करेंगे तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ठीक है इसका वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर इसको करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो अब दे रखा है अपना समाव त्रिभुज यानी क्या होना चाहिए ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। ठीक है, इन तीनों के शीर्षों के मान बराबर होने चाहिए। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं थ्री। ठीक है, अब आगे देखते हैं ए बी बराबर बी सी से। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू पुट करते हैं टू रूट थ्री बराबर और बी सी की वैल्यू क्या आई थी अपने पास अंडर रूट एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस का सिक्स एक्स माइनस टू रूट वाई प्लस बारह। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा इसका करेंगे तो बारह। ठीक है, और इसका करेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा दर्जा तो तुम। ठीक है, अब आगे देखते हैं अब ए बी बराबर बी सी करेंगे तो ए बी की वैल्यू पुट करेंगे टू रूट थ्री। ठीक है, और इक्वल टू ए सी के करेंगे तो एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर क्या आएगा बारह इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर से अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं बी सी बराबर ए सी से बी सी बराबर ए सी करेंगे तो अंडर रूट में बी सी की वैल्यू क्या थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू रूट तीन वाई प्लस बारह इजिकल टू में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर थी। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे दोनों साइड से वर्क करेंगे तो दोनों साइड से वर्क करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगी भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू रूट तीन वाई प्लस बारह इज इक्वल टू में
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से ये दोनों कैंसिल, ठीक है बच्चा, क्या माइनस सिक्स एक्स माइनस का टू रूट तीन वाई प्लस बारह इजिकल टू जीरो, ठीक है। इसमें क्या दो कॉमन लेंगे तो थ्री एक्स प्लस रूट तीन वाई बच जाएगा इजिकल टू में सिक्स हो जाएगा, ठीक है। एक्स बड़ा तो एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी अपने पास सिक्स, और इधर अंडर रूट तीन वाई को पक्षांतरण कर देंगे और एक्स के में तीन था वो बटे में चला जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन थर्ड और समीकरण थर्ड से एक्स का मान समीकरण दो में रख देंगे, ठीक है। उसमें रखेंगे तो सिक्स माइनस रूट तीन वाई बटे में तीन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू बारह आएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो छत्तीस प्लस थ्री वाई स्क्वायर माइनस बारह रूट तीन वाई आ जाएगा और अपॉन में तीन का करेंगे तो नौ आ जाएगा, ठीक है। प्लस वाई स्क्वायर है इजिकल टू बारह, ठीक है। उसके बाद अब देखें छत्तीस प्लस तीन वाई स्क्वायर माइनस रूट तीन बारह रूट तीन वाई प्लस इसका एलसीएम लेंगे तो नाइन वाई स्क्वायर और इधर गुणा होगा बच्चे गुणा तो बारह नम्मा एक सौ आठ, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे बारह वाई स्क्वायर माइनस बारह रूट तीन वाई माइनस बहत्तर बराबर जीरो, ठीक है। अब देखो वाई स्क्वायर माइनस टू रूट तीन वाई माइनस सिक्स बराबर जीरो, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसको और थोड़ा, तो वाई स्क्वायर माइनस टू रूट तीन वाई प्लस रूट तीन वाई माइनस सिक्स एक्स बराबर जीरो, ठीक है। अब देखो वाई स्क्वायर इसमें कॉमन लेंगे तो वाई वाई माइनस टू रूट तीन आ जाएगा प्लस अंडर रूट तीन इधर से कॉमन लेंगे तो वाई माइनस टू रूट तीन आ जाएगा, ठीक है, और इजिकल टू में जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो वाई माइनस टू रूट तीन इसमें के कॉमन लेंगे और एक क्या बचेगा वाई प्लस रूट तीन इजिकल टू में जीरो, ठीक है। वाई माइनस टू रूट इजिकल टू जीरो करेंगे तो वाई बराबर पॉजिटिव टू रूट तीन आएगा, ठीक है, और वाई प्लस रूट थ्री बराबर जीरो करेंगे तो वाई बराबर माइनस का रूट तीन आएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू समीकरण तीन में पुट करेंगे एक्स बराबर सिक्स माइनस रूट तीन डॉट टू रूट थ्री बाई सिक्स आ जाएगा, ठीक है। इसको सरल करेंगे तो छः और इनको इंटू करेंगे तो देखो क्या होगा दो और रूट तीन है रूट तीन तीन तो छः हो जाएगा, दो तीन छः बटे में तीन है तीन, ठीक है। इसको बराबर जीरो, ठीक है। अतः सी के निर्देशन क्या होंगे जीरो टू रूट थ्री, ठीक है। अब देखते हैं इसको वाई में वाई बराबर माइनस रूट थ्री था तब क्या आएगा एक्स बराबर सिक्स माइनस रूट तीन माइनस रूट थ्री, ठीक है। तो अब देखो क्या आएगी सिक्स प्लस थ्री बटे में तीन इज इक्वल टू थ्री, ठीक है। तो अतः निर्देशन क्या होंगे तीन माइनस रूट थ्री। अब देखो समबाहु त्रिभुज के निर्देशन क्या हो सकते हैं तीन माइनस रूट तीन हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं जीरो और टू रूट थ्री, ठीक है। यह आपका कंप्लीट हो जाता है।